देखो नई दुकानदार, ये शिप्रा ने अभी ताजी ताजी नई दुकान खोली है। वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सारे के सारे जबरदस्त होंगे। आज का दिन जो है काफ़ी मतलब परेशानियों से भरा वाला दिन होने वाला है, क्योंकि गदरपुर जाना है, वहाँ से कुछ सामान मेरे को उठाना है और फिर सारा सामान पैक करवा के मेरे को कोरियर में डालना है अगरतला के लिए। क्या चीज़ है बताए, मेरा एक दोस्त है रतन राज उसका नाम है, तो नया नया गाड़ी ले रहा है, वो अभी न्यू गाड़ी ले रहा है, तो उसके पास सामान नहीं है, मतलब वहाँ पे अगरतला में सामान नहीं है एसेसरीज वगैरह जो न्यू गाड़ी में लगती है, तो वो एसेसरीज यहाँ से कलेक्ट कर रहे हैं, फिर यहाँ से बाय कोरियर हम भेजेंगे तो उसकी गाड़ी में लगेगा। तो बस उसी काम के लिए हम जा रहे हैं गदरपुर, तो समय ना गंवाते हुए फटाक से निकलते हैं, क्योंकि फिर शाम हो जाएगी तो कुछ व्लॉग शूट नहीं हो पाएगा, तो पहले ये वाला काम निपटा लेते हैं और फिर आगे जाके बाकी की चीज़ें शूट करेंगे। तो चलो चलते हैं गदरपुर। तो ये सारा तामझाम था जो भेजना है मेरे को अगरतला, तो सब सेटिंग करा दी, अब कल आऊँगा, कल इसको डिस्पैच करेंगे, क्योंकि दो सामान कम पड़ गए, तो सामान शाम तक ही आ पाएंगे, फिर उसके बाद ही कुछ हो पाएगा जो होगा। तो निकलता हूँ अब सीधा घर के लिए। गदरपुर से निकलना भाई साहब एक तरीके का गेम ही हो जाता है। कैसे कैसे मैं निकला ना गदरपुर से मैं ही जानता हूँ, इतना ट्रैफिक। एक तो यहाँ पे बाईपास नहीं बन रहा, बाईपास हालांकि पास हो गया है लेकिन बन नहीं रहा है, तो अब काम तो अब चालू हुआ है बाईपास का, बहुत टाइम से रुका हुआ था, तो उस वजह से इतना जाम लगा पड़ा, इतना जाम कैसे कैसे निकाला है मैंने अपने आप को यहाँ से मैं ही जानता हूँ। ऊपर से 2:30 बज गए, स्कूल की छुट्टी हो गई, तो फिर स्कूल की बसेस वगैरह आ गई, इतना कैड़े वाला जाम लग गया है यहाँ पे। तो अब निकला हूँ मैं गदरपुर से और अब जा रहा हूँ घर की तरफ, तो अब घर जाकर सीधा अपना लंच करूंगा, पुलाव वगैरह बने होंगे, तो बस मस्त। मैं यहाँ पे आया गदरपुर से, मुझे लगा यहाँ पुलाव मिलेगा, इन्होंने तो बनाया नहीं, अब बना रहे हैं। देखो तूने बोला था फोन करके कि मैं आ रहा हूँ, तो तुझे पता नहीं होता, तो खैर हमारा पुलाव बनता है, तो भाई तुझे ही खाना होता है, हमें थोड़ी खाना होता है। चलिए आप लोगों को दिखाते हैं जानवरों की खल कैसे बनती है, कुछ सिनेमैटिक्स देखो। पीछे जो बन रहा था उसको बोलते हैं खल, जानवरों की खल, खल मतलब जानवरों का खाना, ऐसा बनता है जानवरों का खाना। देखा ना, बहुत सारा मिक्सचर मिला के ऊपर डाल दिया, ऊपर वाला जो पार्ट था, और फिर उसके बाद उसमें तेल वगैरह पानी वगैरह मिला के घोल बना के आगे प्रोसेस चालू कर दी, और कैसे बड़ी बड़ी खल निकल रही थी जानवरों को, मतलब जो भूसा वगैरह देते ना उसमें मिला के ये चीज़ मतलब दी जाती है, तो उनका मतलब पौष्टिक आहार बन जाता है, टेस्टी खाना, ऐसे बनती है खल। देखो नई दुकानदार, ये शिप्रा ने अभी ताजी ताजी नई दुकान खोली है, सामान ले लो भाई, चरचरे कुरकुरे का चरचरे, क्या ये चरचरे कुरकुरे कुरकुरे का डुप्लीकेट चरचरे भाई, ये ले इसका डुप्लीकेट, देवा देवरपन। वो कैरी
तेरी मैं कुछ दिखाती हूँ डांस करके। ए भगवान, एकदम करेक्ट टाइम पे हुआ, एकदम करेक्ट टाइम पे। वाह भाई वाह, वाह भाई तूने तो भाई कमाल कर दिया, तूने तो धमाल कर दिया। वाह भाई वाह वाह, चार चांद लगा दिए उसने डांस पे तेरे। तो दोस्तों एक बैड न्यूज है, थर्सडे को ये जा रही है और ये जा रही है वापस गाजियाबाद अपनी जॉब पर। तो हमारे पास ये है ट्यूसडे वेनसडे, मतलब कल और परसों दो दिन ही है और दो दिन बाद ये चली जाएगी गाजियाबाद। इसकी ट्रेन है गाजियाबाद के लिए, तो अब मग जाएगी व्लॉग में देखने को मिलेगी नहीं है हमें। कोई नहीं, इसको सपोर्ट कीजिए, अच्छे से प्यार कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इसकी वीडियोस को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा। अब मेरे व्लॉग बोरिंग होने वाले हैं भाई साहब, मेरे व्लॉग बोरिंग होने वाले हैं। बोरिंग होंगे ही नहीं, मम्मी है, पापा है, इंटरेस्टिंग। पापा का डांस देखो भाई, इतना मस्त करते हैं, मम्मी से ज्यादा अच्छा डांस पापा करते हैं। अरे यार, अरे सन्नी अब हमारे व्लॉगों में कोई नहीं आएगा देखने के लिए। ओ सन्नी अब हमारे व्लॉग जो है बोर हो जाएंगे, शिप्रा तो जा रही है। ओए अब तू ही बची है शिप्रा की जगह, तू बोलना, तू ही करना। ओ चिंटो, व्लॉग देखा, वीडियो देखा, देखा कल वाला? हाँ सही है, तो वो लड़का है जो कल की वीडियो में आया था हमारी, खेल रहा है। ओ हमारा गिलहरियों का घर, इसमें गिलहरियाँ आती हैं पता है तेरे को, खाना खाती हैं और चली जाती हैं। शिप्रा ये देख ना, ये पूरा बाहर निकल गया, इसके अंदर से होके जाती है। हेलो कोई है क्या अंदर? हेलो गिलहरी, हेलो गिलहरी, हेलो गिलहरी, अभी नहीं है लेकिन आती है, इसके अंदर खाना खाती है और फिर उसके बाद चली जाती है। हाँ रोज आती है, मैंने एक बार देखा था ना इसमें से निकल के जा रही थी। मेरे पास मोबाइल नहीं था ना तब। अच्छा। मम्मी यार जा रही है थर्सडे को, और देखो अभी भी इसमें। ओए ओए पत्थर मत मार दियो, बता रहा हूँ तेरे को। कैरी बोल, ओए खेत में चले जाऊंगा और क्या है। ओए डंडा, मम्मी यार डंडा देख लो, ओ तेरी, ओ रुक 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 रुक, ओ रुक ओ रुक। मेरे पास हैरी पॉटर वाली वो है झाड़ू। लवड़ी हाथ भी देती है देखो कितनी। अरे लवड़ी इतनी खुशी, इतनी खुशी, अरे लवड़ी। अरे मुझे वहां से वहां तक ले चलना। कहाँ तक? वहां तक चल, आजा आजा। अरे अरे चल, अरे 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 चल, अरे क्या पीछे कमर में, कमर में बैठा के ले जाऊँ तुझे मैं? मम्मी कह रही कमर में बैठा के ले चल। चल बैठ बैठ। क्या हो गया पता है, जब हम गाजियाबाद में रहते थे तो मम्मी और तुम तो टीवी वाले रूम में टीवी देखते रहते थे, ठीक है, हम दोनों इधर वाले रूम में पढ़ते रहते थे। दरवाजा लॉक करके। तो ये पता क्या करता था बाबा, कि एकदम से इसको पता नहीं क्या होता था, कहता शिप्रा कुछ खाई? मैंने कहा क्या, बता जल्दी मैं लेके आता हूँ, है पर मम्मी पापा को मत बताइयो। मैं कहती चल ठीक है, कैसे जाएगा? कहते वो वाला गेट लगा हुआ है, मम्मी पापा तो किचन और उस रूम में ही है, हम पीछे से आराम से, तू हल्के से खोल दियो और जब मैं आऊंगा ना फिर हल्के से फिर मुझे अंदर घुसा लियो। तो ये इसको निकाल के मैं बाहर ये भाग जाता था दीवार कूद के जो है सामान लेने। फिर जब आता था आने के बाद
तो मैं गेट खोलती थी जिससे कि मुझे सुनाई दे कि आ गया या नहीं आया, क्योंकि खट से भी सुनाई दे जाता था। अगर वो दरवाजे पे कुंडी को ऐसे खट खट करेगी तो आवाज आ जाएगी ना, तो पता ये ऐसे करता था ऐसे, फिर मुझे आवाज आ जाती क्योंकि आ गया। फिर हल्के से गेट खोलती थी, ये अंदर घुसता था, फिर हल्के से लगा के अंदर कमरे में अपने घुस के कुंडी मार के फिर चिट चिट खाते रहते थे। कितनी जैसे चॉकलेट हो गई, किटकैट सबसे ज्यादा हमने किटकैट खाए, और वो खाई है क्या नाम है, एक बारी तो पता है कुरकुरे कुरकुरे, एक बार तो हद कर दी इसने, इतनी सारी किटकैट ले आया, पता नहीं 10-15 लाया था शायद, हाँ बहुत सारी 10-15 ले आया, और आधी आधी बांट दी, कह रहा आधी तेरी आधी मेरी है, तो मैं तो खा रही, मजे से खा ली मैंने शायद सारी है, फिर इससे ना खाई नहीं गई, तो जो खाई नहीं गई ना वो भी मुझे ही दे दी और मेरे मजे आ गए ऐसे। और हाँ एक चीज और बताती हूँ, और मम्मी दिन में जैसे हमारे बोर्ड के एग्जाम थे ना, तो छुट्टियां चल रही थी, हम दोनों तो घर पे थे, इसके 10th के थे, मेरे 12th के थे, तो मम्मी चली जाती थी सुबह सुबह 11 बजे है, कोई ट्रेनिंग ले रही थी, तो क्या हुआ उनके जाते ही सामने एक रेस्टोरेंट था, वहां से हमने चाउमीन ऑर्डर किया, वो जो क्या नाम है कुलदीप अंकल के वहाँ पे, वो जो कॉम्प्लेक्स था ना शॉपिंग, वहाँ पे एक खुला था ना एक चाइनीज रेस्टोरेंट, तो चाउमीन ऑर्डर करी, ऑर्डर करके हमने धो धा के सब कुछ डस्टबिन में डाल डूल के, ताकि मम्मी को ना पता लगे कि हमने चाउमीन खाई है, फिर जो है फिर आराम से बैठ जाते, बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे, मम्मी आई एकदम, चाउमीन खाई तुम लोगों ने, हम दोनों एक दूसरे की शक्ल देखी, मैंने कहा ये कैसे पता चल गया, बेटा मैं तुम्हारी मम्मी हूँ, जरा सी प्याज का टुकड़े से भी बता देती चाउमीन वो बेसिन में हल्का सा वो रह गया ना प्याज का, उसी से पकड़ लिया यार। और हमने ना सारा सामान, मतलब जो भी चाउमीन का पैकेट वैकेट ना, सब फेंक दिया, छुपा दिया, उसके बाद भी हमें पकड़ लिया यार। तो ये हम लोग बातें कर रहे थे अपनी बचपन की, ऐसे ऐसी चीजें हुई है हमारे साथ, मजा आ गया। और ये क्या है, बाप रे आसमान में किधर गया, उधर गया, कब गया है, रात में भी फाइटर जेट जा रहे हैं, देखो यार रात हो गई है और फाइटर जेट निकल के गया, लेकिन अपने निशान छोड़ के चला गया क्या खतरनाक है।